नमस्कार, स्वागत है आपका तेरी मेरी रसोई में। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे मसाला लच्छा पराठा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मसाला लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप गेहूँ का आटा लेंगे। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और नमक को अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं या आप ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं और इसको भी आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम आटे में धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल पराठों के लिए लगाते हैं। आप चाहें तो इस पराठे को बनाने के लिए मैदे का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 कप मैदा और 1/2 कप गेहूं का आटा दोनों को मिक्स कर भी ये पराठा बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा आटा लग गया है। अब हम इसको मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे और जब तक हमारा आटा सेट होता है हम पराठों के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच सफेद तिल लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने पराठों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची की क्वांटिटी भी और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम पराठे बनाएंगे और ये हमारा आटा भी सेट हो गया है। इसको एक बार फिर से गूंथ लेंगे। ये देखिए, पराठा बनाने के लिए आटा एकदम रेडी है। अब हम आटे का छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसकी एक लोई बना लेंगे। आपको जिस भी साइज का पराठा बनाना है उस हिसाब से आप लोई बनाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेलेंगे। इसको हम नॉर्मल चपाती की तरह ही बेलेंगे, बट इसको चपाती से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। आप इसको जितना बड़ा और जितना पतला बेलेंगे पराठे में परतें उतनी ही अच्छी आएंगी। अब हम इसके सेंटर में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह आप मेल्टेड बटर का यूज भी कर सकते हैं और हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था उस मसाले को डालेंगे और मसाले को ऑयल में अच्छे से मिलाकर उंगलियों की सहायता से इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रश का यूज भी कर सकते हैं और मसाले की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, मसाले को हमने पराठे में अच्छे से लगा लिया है। अब हम पराठे को फोल्ड करेंगे। तो पराठे को फोल्ड करने के लिए हमें उसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम पराठे को किनारों से उठाकर आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर उतने ही हिस्से को वापस पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं, एक बार आगे लाना है और फिर वापस एक बार पीछे लेके जाना है और इसी तरीके से हम इसमें सारी प्लेट्स डालेंगे। जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी पराठे में लच्छे उतने ही ज्यादा पड़ेंगे। अब हम इसको गोल घुमाते हुए रोल करेंगे कुछ इस तरीके से और इसका जो एंड पार्ट है उसको हम पीछे की तरफ ले जाकर सील कर देंगे। अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। पराठे को बेलते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि इसको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलना है, बहुत ज्यादा प्रेशर पराठे पर नहीं डालेंगे। ये देखिए, हमारा पराठा बनकर तैयार है और हमने पहले से ही मीडियम फ्लेम पर एक तवा गर्म करने के लिए रख दिया था और तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना पराठा डालेंगे। अब हम पराठे को 2 से 3 सेकंड तक एक साइड से सिकने देंगे। ये देखिए, 3 सेकंड हो चुके हैं। अब हम पराठे को पलटेंगे और इस साइड पर हम इसमें तेल लगाएंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। आप इसमें जितना ऑयल या घी लगाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से इसकी परतें खुलकर आएंगी। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसमें ऑयल लगा देंगे और इसको अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक ना जाए
और जैसे जैसे ये पराठा सिकने लगा है इसकी परतें खुलने लगी हैं, ये देखिए। और ये हमारा पराठा सिककर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको भी हम पतला और बड़ा भी लेंगे। ये देखिए पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसमें सेंटर में ऑयल डालेंगे और जो हमने मसाला बनाया था उसको डालेंगे, और मसाले को ऑयल में अच्छे से मिक्स करकर उसको पराठों पर चारों तरफ उंगलियों की सहायता से अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए हमने मसाले को पराठे में अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसको सेम मेथड से फोल्ड करेंगे। पराठे को हम उठाते हुए आगे की तरफ ले जाकर फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए फोल्ड करेंगे। एक बार आगे ले जाना है और एक बार पीछे की तरफ ले जाना है। इसी तरीके से हम इसमें सारी प्लेट्स डालेंगे और इसको गोल घुमाते हुए एक रोल बनाएंगे और इसके एंड के हिस्से को पीछे की साइड ले जाकर उसको सील कर देंगे। अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, जैसे कि हमने पहले पराठे को बेला था। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है। अब हम इसको भी सेक लेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसको एक साइड से सिकने देंगे। अब हम इसको पलट देंगे और इसकी इस साइड पर हम इसमें ऑयल लगाएंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको फिर से पलट कर दूसरी साइड से भी इसमें अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसको अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक कि ये अच्छे से सिक नहीं जाता। और ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है। इसमें भी बहुत अच्छी लेयर्स पड़ी हैं। मैं आपको एक बार इसको उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, इसमें कितनी सारी लेयर्स पड़ी हैं। और इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे परफेक्ट लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इनको सिंपल कर्ड या अचार के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।